नमस्कार, जी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। बस कुछ घंटों बाद पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने होंगे। नतीजों से पहले जो महा एग्जिट पोल सामने आया है उसमें बीजेपी ने यूपी की जीत मानी जा रही है। बीजेपी की जीत वहां पर दिखाई जा रही है। पांच राज्यों में से चार में बीजेपी की सरकार बन रही है। हालांकि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एग्जिट पोल के नतीजों से इतर जीत का दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारा गठबंधन जीत रहा है, और वहीं मायावती से गठबंधन पर समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा है कि समान विचारधारा वालों से हमारी ज्यादा दूरी नहीं, यानी मायावती से गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं है। वहीं मुख्तार अब्बास ने कहा है कि जुगाड़ से सरकार बनाने वालों के सपने पूरे नहीं होंगे। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत होगी, सारे एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की जीत होगी। बिहार चुनावों के वक्त भी एग्जिट पोल हुआ था, लेकिन उस वक्त नतीजे बिल्कुल उल्टे आए थे। कहना है कि कांग्रेस पार्टी और गठबंधन यूपी में जीतेगा, और क्या कहना है? बिहार में भी एग्जिट पोल देखे थे मैंने जी। आप मीडिया के एग्जिट पोल देखे थे बिहार में जी? 11 तारीख को बात करें। और इंडिया टीवी सी वोटर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन को 155 से लेकर 167 सीट, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 135 से 147। तो ये आप देख रहे हैं, बीजेपी गठबंधन को 219, एसपी गठबंधन को 122, बीएसपी को 54 और अदर्स को 7 जाते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो 2014 के लोकसभा चुनावों में जो एक बीजेपी के लहर की बात हो रही थी, वो इस वक्त भी कायम नजर आ रही है। और उत्तराखंड के वहां एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी के खाते में 43, कांग्रेस के खाते में 23, वहीं अदर्स के खाते में जा रही हैं 4 सीटें। तो बीजेपी यहां पर भी लीड कर रही है। तो आपको बता दें, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ये कह रहे हैं कि जो सरकार जुगाड़ से सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, उनके सपने सपने ही रह जाएंगे। और वहीं कांग्रेस नेता राज बब्बर के मुताबिक कल एग्जिट पोल को झुटलाने वाले नतीजे सामने आएंगे। हमारा पूरा ही विश्वास है कि लोग विकास के और सुशासन के लिए उन्होंने वोट दिया है, और इस बार जो है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी जहां चुनाव हुए हैं, वहां पर जो है सुशासन और विकास के लिए लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। जुगाड़ की सरकार बनाने की जो लोग सपने देख रहे हैं, वो सपने के सपने ही रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। ये एग्जिट पोल है, बिहार में भी एग्जिट पोल आया था और उसका परिणाम आपने देखा। हम एंटर पोल की इंतजार कर रहे हैं, एग्जिट की नहीं। और मेरे ख्याल से कल का जो रिजल्ट आएगा, वो जनता का जो दिया हुआ फैसला, उसका परिणाम आएगा, वो देखेंगे। और समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने एग्जिट पोल के नतीजों को गलत बताया। राम गोपाल यादव से जी मीडिया संवाददाता रविंद्र ने बात की। राम गोपाल जी, एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए सोचने वाली बात होगी कि सरकार बन रही है या नहीं रही? सरकार बन रही है भारी बहुमत से। ये जो लंबी लंबी बातें आप लोग मीडिया वाले दिखा रहे हो, ये अपनी विश्वसनीयता खत्म करने जा रहे हैं आप लोग। आपको लग रहा है सरकार बनेगी सर? 100%। कितनी सीटें आप उम्मीद की? 240। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि मायावती के साथ। अखिलेश बिल्कुल नहीं कह रही, अखिलेश कह रहे हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो जब तक नतीजे नहीं आ जाते, तब तक हर राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा करता है। और सवाल यह भी है कि बीजेपी अगर जीत जाती है तो यूपी में सीएम कौन होगा। इस मुद्दे पर जी मीडिया संवाददाता रविंद्र ने बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ से बात की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। योगी जी, जो सर्वे आ रहे हैं और एग्जिट पोल आ रहे हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान, बीजेपी के लिए मुस्कान है? हाँ, बीजेपी देश में मुस्कान ला रही है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में मुस्कान आएगी तो हम लोग तो सिर्फ अत्यंत। आपको भरोसा है सर्वेक्षण में जो आ रहा है बीजेपी उतनी सीट आएगी? हम लोग चुनाव कैंपेन के साथ बहुत नजदीक से जुड़े रहे हैं और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। सर, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो मायावती के साथ वो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए, यानी अभी भी उनको लग रहा है कि त्रिशंकु हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए चुनाव नहीं हुए हैं, जनादेश के लिए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश का रुख रहा है,
और हम उसके लिए लड़ रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के पहले अखिलेश यादव के द्वारा इस प्रकार की बातें करना उनकी स्वयं की हार को प्रदर्शित करता है। आखिरी सवाल सर, आप कह रहे हैं कि बहुमत आएगी, मुख्यमंत्री पहले घोषित नहीं हुआ था और पार्टी के कई बड़े नेताओं का चाहे कई कार्यकर्ताओं का कहना कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के सबसे उपयुक्त दावेदार। देखिए, पार्टी जिसको भी तय करेगी हम उनके साथ में। आप भी हैं सर? मैंने कहा ना, पार्टी जिसको तय करेगी हम उनके साथ में। और वहीं कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने भी यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया। पुनिया जी, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं कांग्रेस के लिए, सिवाय पंजाब में और कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए, ये एग्जिट पोल है और स्थिति बहुत हास्यास्पद है कि 160 से लेके 285 तक इतना बड़ा रेंज, एक ही चुनाव है, कोई अलग अलग चुनाव नहीं है। अलग अपने अपने नज़रिए से देखती हैं, क्या नज़रिया उनका है ये तो सवाल का जवाब उन्हीं को देना होगा और कल पता लग जाएगा किसने क्या सर्वे किया है और वास्तव में क्या जनता ने वोट दिया है। इतना बड़ा प्रदेश है, 403 विधानसभा हैं, 13 करोड़ 85 लाख वोटर हैं और उनका एक कैप्सूल बना के और वो दिखा दें तो किसी तरह सही नहीं है। लेकिन यही सर्वे पंजाब में आपको बढ़त दिखाए हुए? नहीं, सभी के लिए ही लागू है। बढ़त दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं, ये सर्वे करने वाले मैं नहीं समझता हूँ कि ये सही है। वास्तव में काउंटिंग का वेट करना चाहिए। इस तरह से अंदाज, ये जो इंटरटेनमेंट शो जो चला रहे हैं मीडिया, वो पूरी तरह गलत। लेकिन सर, जिस तरह से अखिलेश यादव का कल बयान आया, उन्हें मायावती से अलायंस करने की बात कही है, राष्ट्रपति शासन न लगे, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी लग रहा है उनको कि हार रहे हैं। देखिए, वो एक परिपक्व राजनेता है अखिलेश यादव जी, और उन्होंने अपने अंदाज से कहा है। उन्होंने ये भी कहा है, ये क्यों भूल रहे हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन सरकार बना रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप पूछते हैं तो फिर सरकार आपकी बनेगी? सरकार बनेगी, कितनी सीटें उम्मीद है? 100% बनेगी, ये मेजोरिटी के साथ में, कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ बनेगी। तो एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं है कांग्रेस को और बार बार वो जीत का दावा कर रहे हैं। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल तो हम आपको दिखा ही चुके हैं और अब हम पंजाब का रुख कर लेते हैं जहां पर 117 सीटें हैं और यहां पर जो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन है उसको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर का नुकसान जो कि झेलना पड़ रहा है बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन को। ये देखिए, शिरोमणि अकाली दल गठबंधन जो कि आगे है, सिर्फ 12 सीटें उसके खाते में जा रही है। वहीं कांग्रेस की वापसी यहां पर नजर आ रही है, 54 सीटें उसके खाते में जा रही है और आम आदमी पार्टी से भी उसको काफी टक्कर मिल रही है। काफी क्लोज कॉन्टेस्ट बताया जा रहा है कई एग्जिट पोल्स में, लेकिन महा एग्जिट पोल के ये नतीजे आप इस वक्त देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में 41 सीटें और वहीं अदर्स के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और पंजाब के बाद अब चलते हैं मणिपुर। मणिपुर में 60 सीटें हैं कुल मिलाकर और यहां पर हमेशा जोरदार टक्कर रहती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच और बीजेपी यहां पर दिखाई दे रहा है कि काफी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है 30 सीटों के साथ और कांग्रेस 20 सीटों पर आगे है और वहीं अदर्स के खाते में जा रही हैं 10 सीटें। हालांकि काफी जोरदार टक्कर रहती है मणिपुर में और कुछ पोल्स में कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा है, कुछ में बीजेपी को दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां जो आप देख रहे हैं ये महा एग्जिट पोल के नतीजे हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बता दें, ये असली नतीजे नहीं है, उसके लिए आपको कल का इंतजार करना होगा, लेकिन इसमें एक झलक जरूर मिल जाती है कि वोटर का मूड क्या है और वो आपने देखा इन 4 अलग अलग राज्यों में। और वहीं समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव के मुताबिक यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की ही सरकार बनेगी और बीएसपी के साथ गठबंधन पर अखिलेश के बयान का कुछ अलग ही मतलब निकाला जा रहा है। धर्मेंद्र जी, सर्वे सर्वेक्षण में कहीं न कहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और समाजवादी पार्टी अपोजिशन में बैठ सकती है। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी कांग्रेस का गठबंधन बहुत मजबूत सरकार बनाने जा रहा है। जहाँ तक बहुत सारे सर्वे जिसकी दुहाई देश दे रहे हैं और बीजेपी के लोग बहुत उछल भी रहे हैं, यही सर्वे दिल्ली का भी उठाइए, यही सर्वे बिहार का भी उठाइए, इन तमाम सर्वे में ठीक उल्टा परिणाम आया। क्योंकि जनता जो कहती है और मीडिया के लोग जो कहलाना चाहते हैं उसमें बहुत अंतर है। समाजवादी कांग्रेस गठबंधन को स्वीकार किया है और बहुत मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं कल के बाद। लेकिन धर्मेंद्र जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जरूरत पड़ी तो बसपा के साथ वो हाथ मिलाएंगे, कहीं ना कहीं वो त्रिशंकु वहाँ पर के उम्मीद कर रहे हैं और अपनी सरकार की उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, फिर भी जो जर्नलिस्ट बीबीसी के ले रहे थे इंटरव्यू, उन्होंने कई बार कहा अगर अगर अगर, तो इस बात पर उन्होंने जरूर कहा कि राष्ट्रपति शासन
या रिमोट की सरकार नहीं चलने देंगे। उसके लिए जो भी रास्ते जरूरत पड़ेगी, यद्यपि सरकार हम बना रहे हैं इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, गठबंधन मिलकर सरकार बनाएगा, और फिर भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो ये रिमोट की सरकार, राष्ट्रपति शासन नहीं चलने देंगे।